सुमित हमें बताएंगे कि इस बैठक में जो डेलीगेशन है भारत की तरफ से, उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है और उसका कॉम्पोजिशन कैसा है? सुमित देखिए, इसमें करीब डेलीगेशन में 12 ऑफिसर हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया क्योंकि कोर कमांडर 14 कोर कमांडर होंगे। इसके अलावा दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, और अब लेफ्टिनेंट जनरल पीजेके मेनन, मैं आपको बता रहा था कि इनका 2018 में जो रिकॉर्ड है, कोऑर्डिनेशन है, वो चाइनीज काउंटर पार्ट से बहुत अच्छा है। यही वजह है कि इनको इंक्लूड किया गया है इस डेलीगेशन के अंदर। ये एक महत्वपूर्ण चेंज है जो अब डेलीगेशन के अंदर किया गया है। इसके अलावा दूसरे लोग कौन कौन शामिल होंगे इस डेलीगेशन के अंदर, ये भी आपके लिए जानना जरूरी होगा। हरिंदर सिंह जो 14 कोर कमांडर हैं, जो लगातार इस पूरे एरिया के लिए, लेह लद्दाख के एरिया के लिए जिम्मेदार हैं, या उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, ये आप कह सकते हैं कि ईस्ट रीजन जो है साउथ ईस्ट का, उसके लिए ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये पहली बार होगा कि MEA लेवल के ऑफिसर इस तरह के मिलिट्री टॉक्स में शामिल होंगे, और खासतौर पर LAC के ऊपर जो बातचीत हुई है उसमें पहला मौका होगा कि इस तरह के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के MEA के ऑफिसर उसमें शामिल होंगे। मेजर जनरल अभिजीत बापट, यानी जो थ्री आप कह सकते हैं थ्री कोर है, या फिर वहाँ पे जो मौजूद है वो, उसके मेजर जनरल अभिजीत बापट हैं। और आपको याद होगा कि कई प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आए थे। मेजर जनरल पदम शेखावत भी, जो दूसरे मेजर जनरल है, वो भी इसमें शामिल होंगे। दो लेफ्टिनेंट जनरल, दो मेजर जनरल, इसके अलावा दीपम सेठ जो ITBP के IG हैं लद्दाख रीजन के, और ये पूरे सेक्टर के की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ये कुछ 5 से 6 बड़े ऑफिसर हैं जो इनके अंदर जो की रोल में होंगे या फिर वो इस डेलीगेशन का पार्ट होंगे। इसके अलावा कई और ऑफिसर होंगे ब्रिगेड लेवल के, या फिर आप कह सकते हैं कर्नल लेवल के, जो ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए बल्कि दूसरे कोऑर्डिनेशन वर्क के लिए भी वहां शामिल होंगे। लेकिन 5 से 6 ऑफिसर जो होंगे ये सबसे महत्वपूर्ण रोल में होंगे। सुमेरा जी हाँ, सुमित बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार नजर बनाए रखेंगे कि किस तरह से ये बातचीत शुरू होती है। ये तमाम अधिकारी जो इसमें शामिल होने वाले हैं, उद्देश्य एक ही है, मकसद एक ही है कि बातचीत से कुछ सकारात्मक निकलकर सामने आए। जो विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत हुई थी, वहां पर जो तय किया गया था उसको अमली जामा पहनाया जा सके, यहाँ ग्राउंड लेवल पर ये उद्देश्य है, ये मकसद है, और इस मकसद को हासिल करना चाहेगा भारत। लेकिन क्या निकलकर सामने आता है उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन चीन की जो साजिशें हैं, चीन के जो प्लान हैं, चीन किस तरह से बॉर्डर पर LAC पर भी लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, अपने जमावड़े को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है, वो चीन के जो इरादे हैं उसको भी साफ तौर पर दर्शाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,